कैरेक्टर। अब समझ में तो आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन चरित्र समझना पड़ेगा, कैरेक्टर क्या है, लीडर का कैरेक्टर कैसा होता है। लीडर का कैरेक्टर होता है वो सबसे पहले रिस्पेक्ट, वो खुद को रिस्पेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो ऐसा काम नहीं करता कि उसको कोई टोके, अपनी इज्जत लेके चलता है अपने हाथों। रूल तोड़ना, झूठ बोलना, फरेब करना, धोखा देना, दूसरों की बात नहीं सुनना, रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों की बात वैल्यू करना, इमोशंस को वैल्यू करना, जो कह रहे हैं वो समझना, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, उनको रिस्पेक्ट करना। खुद को तो रिस्पेक्ट करो, कोई भी आपको मार के चला जाएगा, कोई भी आपको दबा के चला जाएगा। हमने SRT में पूछा आपसे भी, आपको एक जा रहे थे भीड़ में, आपको एक थप्पड़ मार के चला गया, क्या करोगे? कहेगा हम बोल देंगे सॉरी। वो तेरे को मार के चला गया खामुखा, वो तू सॉरी कह रहा उसको? कह रहा सर वो असल में हमने सुना था कि वो SSB में। अरे SSB को मार गोली यार, तू अपनी बता लाइफ में क्या करेगा? अरे हाथ पकड़ उसका, पकड़ उसकी गिरेबान, पूछ क्या बात है, ऐसे कैसे मार के चला जाएगा कोई? नहीं मैंने तो दिखाना है, असल में मैं तो कुछ और हूं, लेकिन मैं कुछ और दिखाऊंगा। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहां गई? तुम अपने वाइफ के साथ जा रहे हो या बहन के साथ जा रहे हो, तीन गुंडे आके कहते हैं, वो रेप करने की कोशिश करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, तो कह रहा है आई विल ट्राई थिंक ऑफ सम न्यू आइडिया। अरे अभी न्यू आइडिया का टाइम नहीं है, अब किस चीज का टाइम है? अब मरने का, मारने का टाइम है। कहां गई तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट? लेकिन अगर आप जा रहे हो और कोई सीटी मार रहा है तो ठीक है, अभी निकल लेते हैं, बाद में देखेंगे इनको, अभी जोड़ोगे तो अपना बहादुरी दिखाऊंगा। आप बात कर रहे थे ग्रुप डिस्कशन में, आपको किसी ने टोक दिया, दो सेंटेंस बोले किसी ने टोक दिया, आप चुपचाप बैठ गए, सेल्फ रिस्पेक्ट कहां गई तुम्हारी? तो लेट मी फिनिश, लेट मी स्पीक, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। इंटरव्यू में आपको थोड़ी सी क्या डांट मारी, उसी में अरे वाह बदली हो गई। ये नहीं कह रहा हूं मैं, अभी ये मत सोचना कि इसमें बदली नहीं होगी, जहां वो आप डिसीजन लेंगे बदली होना नहीं होना, क्या करना, मैं जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। पहले अच्छे बनो, सब सही हो जाएगा। तो खुद को रिस्पेक्ट करो भाई पहले, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा अच्छा आप तो सर ने बता दिया खुद को रिस्पेक्ट करो, हम तो मम्मी पापा की जरा नहीं सुनेंगे। अब तो और बहाना मिल गया, मम्मी आप मेरे से ऐसे बात नहीं करोगे, सॉरी ये नहीं कहा था मैंने। रिस्पेक्ट अदर्स, ये भी तो बोला साथ में। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आपके लेवल में जब आप इवॉल्व हो रहे हो तो आपका मतलब ये है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मुझे कोई टोक दे, बस। अभी तो पैदा ही हुए हो आप मम्मी डैडी पे हुक्म मत चलाओ, अभी अभी टाइम लगेगा आपको। यही चल रहा है इंटरव्यू में, हम पता कर रहे हैं आप क्या करते हो, कैसे बिहेव करते हो। तो दूसरों की भी इज्जत करो यार, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक आदमी है वो रूल नहीं तोड़ता, फॉलो करता है। क्यों बना भाई रूल? क्योंकि सोसाइटी को अच्छे से चलाना है, इसलिए उसको समझ में आता है चरित्र उसका अच्छा। तो 9 बजे क्लास शुरू होनी है तो मैं 9 बजे 10 मिनट पहले पहुंचूंगा। अब ये गोल है, चैलेंज सॉल्यूशन आएगी तो देखना, चैलेंज ये रही सॉल्यूशन ये रही, बट मैं पहुंचूंगा जरूर। गुडनेस, कहीं से भी अच्छा पॉइंट हो यू मस्ट अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट दैट। अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि DC है तो अथॉरिटी है। एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड इज एन अथॉरिटी, तो PN भी अथॉरिटी है।
पुलिस वाला है वो भी एक अथॉरिटी है, उसको ऑथराइज किया गया है काम कराने के लिए। ये लीडर को समझ में आता है, वो उसको रिस्पेक्ट करता है, अच्छा इंसान। नेक्स्ट इज करेज, बहुत इंपॉर्टेंट। हिम्मत, करेज टू स्पीक माय माइंड। आपके अंदर दिल में, दिल और दिमाग में जो आपकी बात है वो रखने की हिम्मत तो करो, नहीं तो कई लोग हैं जो जिनकी हिम्मत नहीं हुई, बहुत अच्छे थे निकल गए। ये जिंदगी तो एक ही बार मिली है भाई, एसएसबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी अभी लाइफ 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 की बात कर रहा हूं। अपनी हिम्मत करो, बोलो अपनी बात, बट रिस्पेक्ट से बोलो, इसलिए पहले रिस्पेक्ट बोला, नहीं तो आगे जाके बोलोगे ताऊ तू बावड़ा है, कह रहा मैंने तो दिखा दी हिम्मत, उसने दिखा दी अपनी लाठी। सो आई टोल्ड यू बी रिस्पेक्टफुल, हैव द करेज बट विद रिस्पेक्ट, यू कैन से। तो अब देखो आपने ना बड़े, मैंने कहानियां सुनी आपकी, आप तो बहुत बहादुर थे, कह रहे हाँ वो तो बात ठीक है बेटे, अरे आप ठीक नहीं करते ताई के साथ, आपका रिलेशन ठीक बिहेवियर ठीक नहीं है, तो मान भी लेगा, तो रिस्पेक्ट के साथ बात करो। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, एक आदमी जो आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, सर नंबर 11 यू आर गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, यू आर टेलिंग राइट इज, यू टेलिंग व्हाट इज राइट, यू आर स्पीकिंग योर माइंड ऑल्सो, बट यू से नो नो आई थिंक नंबर 11 यू आर गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, लेट्स रिमेन, इट्स रिस्पेक्टफुल। सो इफ इन योर लाइफ यू आर डिसरिस्पेक्टफुल, अब वहां भी नजर आओगे। तो सही को सही और गलत को गलत बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए भाई, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बट रिस्पेक्ट के साथ पहले समझ लो सही क्या और गलत क्या। तीसरी बहुत बड़ी क्वालिटी जिसमें एसएसबी में बहुत ज्यादा और लाइफ में तो है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, हम अपनी गलती नहीं मानते, कह रहे तुमने एक साल जो है बीच में गैप कर दिया तो गलती कर दी, नो सर, अरे क्यों, और कोचिंग ने बताया था, तुझे क्या लगता है गलती हो गई थी, हाँ तूने ठीक करी, हाँ उसके बाद तो नहीं करी, नहीं सर, कैसे क्या क्या किया, ये सर, गुड यार, अरे लड़के में हिम्मत है अपनी गलती मानने की, गलती तो होगी लोगों से, इंसान है भगवान नहीं है, मानना नहीं चाहते आप, कह रहे क्यों, कह रहे नेगेटिव हो जाएगा, और यार तू सोल्यूशन लाया नहीं लाया, तूने गलती मानी कि नहीं मानी, तेरा चरित्र देखो कितना जबरदस्त है, कितने सारे वीडियो है मैं सब में बताया हुआ कैसे झूठ बोलते थे, पहले मानते नहीं थे, बाद में माना सेलेक्ट हो गए। करेज टू टेक रिस्क, स्टेटस चेंज जब करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, और उसके लिए सॉल्यूशंस मैंने बोला आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, न्यू आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज, योर आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा ना, सेफ सेफ खेलेंगे, जो पहले करते थे वही करेंगे, अरे भाई नया करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, और जो पहले कर रहे थे अगर वो भी कर रहे हो तो उसको मॉडिफाई करके करना पड़ेगा, बिकॉज द चैलेंज इज न्यू एंड यू वॉन्ट टू मेक इट बेटर। आप जो फौज में, काफी फौजी लोग हैं यहाँ पे, आपने जो ब्राइट ऑफिसर देखे होंगे, ब्राइट ऑफिसर कौन है, ब्राइट ऑफिसर वो है जो हमेशा कुछ नए आइडिया के साथ में, किसी भी रेजिमेंट का हो, किसी भी कोर का हो, वो नए आइडिया के साथ में नया प्रोजेक्ट लेके आता है, वही ब्राइट ऑफिसर होता है, यह सब लोग। और आपकी अरे आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी वो नए तरीके से काम करता है, कह रहे नहीं ये जो है ना जवानों के लिए ये बाथरूम में ये वाला काम कर दो, ये एकोमोडेशन के लिए वाला काम कर दो, वो ब्राइट ऑफिसर है। और एसएसबी में क्या बोलते हैं, दिस कैंडिडेट हैज अ स्पार्क, वो स्पार्क क्या है, वो यही स्पार्क है, नया तो सोचो मेरे भाई। हमारा एक लड़का था, इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ करेज टू टेक रिस्क, रिस्क होती है भैया नया करने में, रिस्क होती है, पता नहीं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, होता है कि नहीं, उसको पूछा गया यू हैव एनी सजेशंस कॉन्फ्रेंस में,
तो जबरदस्त एग्जाम्पल है, यहां से निकला हुआ वो एग्जाम्पल, सोच से सोचना कैसे है उसको समझ में आ गया। यू हैव एनी सजेशन? तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सजेशन नहीं देना, यही बोलते हो ना आप लोग, आधे तो आप लोग कोचिंग ही करते रहते हो एक दूसरे की, और कुछ उधर से इन्फेक्शन लेके आ गए। यू हैव एनी सजेशन? कह रहे नहीं, कोई सजेशन नहीं देना। सर एवरीथिंग इज वेरी गुड सर, कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ क्या? कि चीजें इंप्रूव नहीं हो सकती, सबसे बड़ा झूठ है। एसएसबी की क्या औकात? एसएसबी में चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। ये समझ में नहीं आ रहा आपको? आपके अंदर अगर नहीं है तो ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर आप हर चीज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हर जगह आप इंप्रूव करने की सोचेंगे। इस कमरे में कितना कुछ इंप्रूव हो सकता है? जो उसने सजेशन दिया वो सुनिए आप। उसने कहा सर 10:30 लाइट आउट होती है, एवरीबडी इन द बैरक्स इज अवेक टिल 1 o'clock, सो इट इज डिसोबीडियंस ऑल्सो सर, इट इज नॉट गुड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो सर, आई हैव अ सजेशन। दिस इज व्हाट सर, मेक चेस नंबर 1 एज द कोऑर्डिनेटर, एवरीबडी हैज कम फॉर सिलेक्शन, दे विल बी ऑल scared of him and he will also ensure that everybody puts off light at 10:30. So jo general sahab the jo sun rahe the unhone ek chit likh ke diya aise karke apne officer ko, staff officer ko, ladka select ho gaya। Sham ko CHM aaya, sare jitne bhi SSB the, center ek hota SSB 3-4 hote, sab mein pass ho gaya, kya chess number 1 will be the coordinator for all the batches, recommended candidates also, दूसरे उसमें जो भी सीनियर मोस्ट चेस नंबर होगा वो ही विल बी द कोऑर्डिनेटर। सो अगर आप जाएंगे कहीं SSB में और आपको ये नजर आएगा तो समझ लेना किसने दिया था, उसी वक्त इंप्लीमेंट कर दिया। हम आपको इसलिए सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कुछ आप नया मुझे बताओ, कैसे कंट्रीब्यूट करोगे फौज के लिए। आप बोल रहे सर मेरे पीछे मारते रहो, मैं काम करता रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए। वी वॉन्ट न्यू आइडियाज, प्लीज अंडरस्टैंड। तो रिस्क लो यार। एंड पांचवा, अ फिजिकल रिस्क। तो फिजिकली शुड बी फिट, स्पेशली गर्ल्स। आप तो बाकी लोग करते रहते हो एक्सरसाइज, ये लोग नहीं करते हैं। तो आपको फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बोथ, आप लंबे समय तक कर पाएं और स्ट्रांग भी हों, दोनों एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप ये सब करने के लिए, बिकॉज ये हमारी आत्मा है, हमारा जो लीडरशिप है, हमारे जो सोल है, ये अच्छे शरीर में तो रहेगी ना। तो शरीर ही कमजोर हो गया तो क्या कर पाएंगे हम, बीमार पड़ गए हमें। तो इसमें 4-5 चीजें आप जो देखेंगे तो समझ में आएगा कि मुझे अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है। इसमें स्लीप पैटर्न, डे का रूटीन, फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सब देखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। थर्ड क्वालिटी इज डिटर्मिनेशन। मैं चरित्र को समझा रहा हूँ आपको और लाइफ से समझा रहा हूँ, SSB का कोई लेना देना नहीं है ऐसे, ये आप समझ लेना अच्छे से। लेकिन SSB का इसका कुठाराघात होता है, इसका असर हथौड़े की तरह होता है। अगर आपके अंदर है ना तो इट मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें सब कुछ सच है, इसमें कुछ फरेब नहीं है। डिटर्मिनेशन क्या मतलब? नेवर गिव अप। क्या मतलब? मैंने ये काम कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी अड़चन आएगी कोई बात नहीं, मैं करेक्ट करूंगा फिर कर। ये नहीं कि एक ही इस बारी भी ये किया, अगली बारी भी ये किया, फिर भी वही करे जा रहा है बार बार। इट्स नॉट डिटर्मिनेशन, दिस इज बेवकूफी। अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज एंड फाइंडिंग अ न्यू आइडिया। आई एम फॉरगेटिंग द नेम। हाँ से अगेन, अरण्या नाम भूल ही नहीं सकता मैं, अरण्या साहब। तो he's a very good student, old student. He's, why is he come? He's come to meet. He's got scholarship in California, then he got a scholarship in Chicago now. He's a scientist from DRDO already and he's planning to join ISRO. मुझे यही बता रहा था अभी कि पहले मैं वही फिर आप, मैंने जब यहाँ पे आया तो देखा कि कैसे, how to see the challenges new way and find a new method. एकदम, he's going places.
अभी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, एक ही तरीके से मैं उसी में घिसटते रहो। नो नो नो, दैट्स नॉट द वे। डिटर्मिनेशन डजंट मीन डिटर्मिनेशन दिखा रहे। एक बार वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में गया, नंबर छः में गया, टच हो गया, फिर गया, फिर टच हो गया, फिर गया, फिर टच हो गया, फिर गया, फिर टच हो गया। इधर आ भाई क्यों, किसी ने उसको पूछा भाई क्यों तो बार बार कर रहा है? अब उसको किसी ने बता दिया डिटर्मिनेशन। बेवकूफ़ आदमी ने एक और बेवकूफ़ को, दोनों को, दोनों ही बेवकूफ़ कह रहा क्यों भाई मैं फौज में जा रहा, पीछे मुड़ के मत देखियो, छोड़ना नहीं है। कह रहा तो क्यों कर रहा? कह रहा डिटर्मिनेशन दिखा रहा हूँ। और तेरे को बोला 3 मिनट में 10 करने हैं, तेरे से ये को नहीं हो रहा, बाकी कर ले, बाद में आ जाना वापस। ये कैसी डिटर्मिनेशन हुई? ये बेवकूफ़ी है। 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, 3 मिनट में करने होते हैं, रस्सा ये वो है ना, आपको पता ही है। 10 मिनट में 3 करनी है, तेरे से एक नहीं हो रहा, तो यहाँ डिटर्मिनेशन दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लास में पढ़ लिया था। नहीं नहीं नहीं, इसको डिटर्मिनेशन नहीं कहते, इसको बेवकूफ़ी कहते। डिटर्मिनेशन का मतलब जब मैं गोल अचीव करने जाऊँ उसमें जो चैलेंजेस आएंगी उनके लिए मैं नया सोचूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर से नया सोचूँ, एनालाइज करूँ, सोल्यूशन निकालूँ, उसको डिटर्मिनेशन कहते। दिमाग से काम तो मैंने इसके तो 5-5 देखो बता रहा हूँ, मैं हर जगह 5 बता रहा हूँ ना, हर जगह 5 बता रहा हूँ ना। रिस्पेक्ट 5 हिस्सों में, करेज 5 हिस्सों में, लाइफ में करो, इस मैसेज भी कभी लेना देना नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डिस्क्लेमर, नथिंग टू डू विद SSB, बट SSB में इसका ठाराघात होता है। थ्योरी मत समझो, करो, करने को बोल रहा हूँ। अब डिटर्मिनेशन को 5 हिस्सों में अपने आप बनाओ। कहाँ कहाँ पे आप डिटर्मिनेशन आपको लगता है होनी चाहिए, ये आपका होमवर्क है। जब मेरे पास बैठोगे मैं आपका रजिस्टर देखूंगा, बताऊंगा क्या लिखा आपने, और यहाँ पे डिस्कस भी करना आपस में कि डिटर्मिनेशन, हाउ डू यू सी डिटर्मिनेशन इन लाइफ 5 times। देन सबसे इम्पोर्टेंट चौथे नंबर पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक बना हुआ, अदरवाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रूथ, सच्चाई। इसके कई वीडियो आपने देखे होंगे, अगर देखा जाए तो ये यहां पे आना चाहिए नंबर 1 पे। सच बोलो यार। अभी तो हमने बोला विट्ठल का फादर को एड्स से मर गया, स्टेप फैमिली को HIV पॉजिटिव, झूठ बोल रहा क्यों? आपको उसमें कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो ट्रुथ, stick to the truth. But there is one question, when does a leader tell lie? झूठ कब बोलना चाहिए? मुझे भी झूठ बोलता है, बहुत एक्सेप्शन होता है तब झूठ बोलता है, जब सबका भला हो, जब देश का भला हो, जब सच्चाई की जीत हो, जब इनोसेंट को बचाना हो, अपने लिए झूठ नहीं बोलता कभी भी। झूठ मत बोलो। कितने सारे किस्से मैं सुना सकता हूं आपको, लेकिन समझदार को तो इशारा ही काफी है यार। एक एग्जांपल दे दिया मैंने, ऐसे कम से कम 50 एग्जांपल दे सकता हूं, पूरा दिन निकल जाएगा। पहले झूठ बोलते थे, सिलेक्ट हो गए, सच बोलना सिखा दिया, सिलेक्ट हो। मोहित दलाल, नीलू राणा, पता नहीं कितने, कंवर, मनु तनवर, के के यादव, पवन आर्या, नाम याद है मुझे, कहानियां हैं उनकी, 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 बार गए, झूठ बोलते। सच बोल यार, वही डुबा रहा है आपको। पता नहीं कितना बड़ा कांड किया इसने, झूठ बोल रहा, छुपा रहा है। अरे सच बोल ना, फरेबी नजर आता है। सबसे कॉमन झूठ, कोचिंग करी? नो। पहली बार हम भी जानते हैं कितने लोग कोचिंग करके आते हैं। कोचिंग गलत भी नहीं है, गलत कोचिंग गलत है, और गलत कोचिंग में भी एक आदमी अपना दिमाग लगाता, कह रहा है यार ये तो गलत है, मैंने नहीं करना ऐसे, मैं तो अपनी तरीके से करूंगा। डोंट टेल लाइज। लायर कभी लीडर नहीं बनते, वो थोड़े दिन के लिए बन सकते हैं, खत्म हो जाएंगे फिर। और लास्ट फेयरनेस, इनको आप 5-5 हिस्सों में अपनी लाइफ में देख करके बताओ कि सच्चाई कहां कहां पे, फेयरनेस कहां कहां पे, डिटर्मिनेशन कहां कहां पे। फेयरनेस क्या होती है? अरे सबके साथ बराबर का बर्ताव। वो ये नहीं बोलता ये मेरे धर्म का, ये मेरे धर्म का। वो
वो ये नहीं बोलता ये मेरी स्टेट का, ये मेरी स्टेट का, बांटता नहीं है, जोड़ता है लीडर। तो आपके आपके बर्ताव से पता चल जाएगा आप क्या, आप बायसेस रखते हैं कि आप फेयर हैं सबसे। आपको बोला आपके भाई ने किसी से लड़ाई कर ली, क्या करोगे, मैं भी जाके पीटूंगा, क्यों, मेरा भाई है, उसको नहीं पूछेगा कि गलती किसकी है, चेक नहीं करेगा कि क्या हुआ, मेरे दोस्तों ने दोस्तों की लड़ाई हो गई, मैं भी जाके उनको ऊपर करूं, मैं भी जाके उनको करूंगा। आप नहीं पूछोगे दोस्त से कि दोस्त ने गलती करी है कि नहीं करी है, उसको भी काउंसलिंग करो, एंड यू कैन ऑल्सो टेल द अदर पार्टी के भाई डोंट टच हिम अगेन, दैट यू कैन डू। मम्मी डैडी में कौन ज्यादा पसंद है, कौन ज्यादा अच्छा लगता है, मम्मी, क्यों, मुझे बताती है, पापा तो डांट ही मारते रहते हैं, यू आर नॉट फेयर, बी फेयर, इसीलिए तो खराब हो रही है आपकी पर्सनैलिटी, अनफेयर है आप, चरित्र खराब है आपका, जो आपको बोलता है समझाता है, जो डांट मारता है वो टीचर अच्छा नहीं, और जो आपके साथ मजाक करता है कुछ पढ़ाता नहीं वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप बहुत अच्छे हो। अब ये हम कैसे पता करेंगे, आप हमारे पे छोड़ दो, आप अपना काम करो। अब आधे लोगों को ये प्रॉब्लम है, कह रहा अच्छा अच्छा ये पता कर रहा है, इसने ये सवाल किया, अब ये पता कर रहा है, अब मैं इसको प्लेट में डाल के दूंगा ये वाली क्वालिटी। तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आप तो सच्चे ईमानदार होकर सीधे सीधे बात करो ना, हमें ऐसे लोग चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें इसमें हमने किसी को सिलेक्ट करना है, कोई किसी को अपना साथी बनाना है, ऑफिसर बनाना है। एक बंदा है जो इंटेलिजेंट नहीं है ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग ठीक ठीक है इसकी, लेकिन इसके दिल में क्या हमको पता नहीं चलता, उसके साथ काम करोगे आप? ये पता नहीं क्या कर देगा, ये कब कर देगा, ये कब झूठ बोल देगा, ये कब डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, ये कब डर जाएगा, डरपोक कहीं का, ये तो भाग जाएगा, ये पता नहीं कब जो है गिव अप करके अपना भाग लेगा, ये पता नहीं कब झूठ बोल देगा, ऐसे आदमी को रखोगे साथ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप भी ऐसे ही हो, उल्टे उल्टे है ना, फौज नहीं है ऐसी, कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऐसी, दे वॉन्ट पीपल हु आर प्रेडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट। तो आप अगर बहुत अच्छे हो, आप रिस्पेक्टफुल भी हो, खुद को भी करते हो दूसरे को भी करते हो, आप हिम्मत वाले हो, गलती मानते हो, सही को सही गलत को गलत बोलते हो, रिस्क भी लेते हो, आप हार नहीं मानते, लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है, अरे समझ में नहीं आती बहुत ज्यादा आपको, तो समझा लेंगे ना इसको आराम से, समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे, सिखा पाओगे कि नहीं सिखा पाओगे, है बड़ा इसको बड़ा तेज है ये, 95% मार्क्स है, शार्प है, सब समझ लेता है, लेकिन यहां पे बड़ी गड़बड़ है, क्यों इसको इसको कुछ नहीं करा सकते आप, इस बंदे को कुछ नहीं करा सकते, इसलिए इसलिए SSB में और लाइफ में मैक्सिमम फेलियर और मैक्सिमम रिजेक्शन यहां पर है, यहां पे नहीं। ये समझ लीजिए आप, तो ये तो आप पहले ही अच्छे हैं यार, और आप क्या करते हैं, कोचिंग कर करके इसको खराब कर लेते हैं, कहीं पे छुपा रहे हैं, कहीं पे झूठ बोल रहे हैं, कहीं पे उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, बस हो गया काम आपका, आप तो अच्छे खासे थे, इसलिए हम कोचिंग नहीं कराते भाई, आप जीवन ठीक से जिए, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि इनको ठीक कैसे करना है, उसी का नाम है 5BRCC। अभी हमने समझ लिया, हमने समझ लिया इसको, हमारा गोल है इसको ठीक करना, चैलेंजेस हैं हमारी, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग करेक्टर और सोल्यूशन फाइंडिंग, तीन है, वैसे तो पांच है बट मैंने क्लब कर दिया तीन में, और उनकी जो सोल्यूशन है वो है न्यू आइडिया, और वो है 5 point perception,
ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, कनेक्टिविटी और क्यूरियोसिटी लाइफ में करो। SSB अपने आप पता भी नहीं लगेगा कब ठीक हो गया, तब आप इस लायक बनोगे कि GDGP कर सको, इंटरव्यू कर सको और TAT WAT SRT कर सको अपने तरीके से।